आप में से जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। जी हाँ, आप देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं आज आपके लिए समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको इसे बहुत ही आसान विधि से घर पर बनाना बताऊंगी और घर पर उपलब्ध सामग्री से ही आप इतने टेस्टी समोसे बनाकर तैयार कर पाएंगे। ये समोसे मार्केट से भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं और आप इनको घर पर आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। एक बड़े बर्तन में मैंने मैदा लिया है और इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डाली है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मैं 2 कप मैदा में 1/4 कप घी का मोयन मैं इसमें दे रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें तेल का भी मोयन दे सकते हैं, लेकिन घी का मोयन देने से समोसे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। देखिए, मोयन इस तरीके का होना चाहिए कि मैदा हमारा बंद जाए। अब हम पानी डालते हुए इसको गूंद कर तैयार करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा सख्त डोह तैयार नहीं करना है और बहुत ही नरम भी नहीं। हम इसका मीडियम डोह बनाकर तैयार करेंगे। तो हमारा डोह जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। 10 मिनट के लिए मैं इसे एक तरफ पर रखूंगी। चलिए, तब तक हम आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं स्टफिंग के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े आलू लिए हैं। इसको हम तोड़ लेंगे। हमें इसे बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है और बहुत मोटे टुकड़े भी नहीं रहने देंगे। इस तरीके से मैंने सभी आलूओं को तोड़ लिए हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके एक फ्राइंग पैन रख लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 1/4 इंच मैंने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाला है। यहाँ थोड़ा मोटा ही कद्दूकस किया है मैंने, क्योंकि जब इसके बाइट मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, इसे भी फ्राई कर लेते हैं। फ्रोजन मटर है, मैंने इनको भी डाल दिया है। इसे हम 30 सेकंड से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि यह फ्रोजन मटर है। अब हम इसमें आलू के टुकड़े डालेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाला है, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि समोसों में हल्दी नहीं डाली जाती है। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ किशमिश और बारीक कटे हुए काजू डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास में साबुत धनिया हो तो आप वो डालिए, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसे आप रोस्ट करके डालिए। यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है और गैस को बंद कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे जो हमारा मैदे का डोह है वो भी तैयार हो गया है, तो इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं। अब हम यहाँ पर रोटी बनाने के लिए जितनी बड़ी लोई लेते हैं, उससे थोड़ी बड़े आकार की लोई लेंगे और इसे बेलकर तैयार कर लेना है। रोटी के समान आकार में हम इसको बेलेंगे। जितने बड़े आप समोसे बनाना चाहते हैं, उस तरीके से इसे बेल लीजिए। आप इसको बिल्कुल पतला मत बेलिएगा और बहुत मोटा भी नहीं बेलिएगा। इसे बीच में से काट लेते हैं। इस तरीके से हमें 2 भाग मिलेंगे और इससे हमारे 2 समोसे बनकर तैयार होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आलू मसाला है स्टफिंग के लिए, वह भी ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे 1 भाग मैंने ले लिया है और इसके नीचे की तरफ हम इस तरीके से पानी लगा देंगे और इसे फोल्ड करके चिपका देंगे। देखिए, इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। आप इसे अच्छे से दबाकर बंद कीजिए और इसे हाथों में इस तरीके से हमें पकड़ लेना है। जहाँ से हमने फोल्ड किया है, उस भाग को हम सामने की तरफ पे रखेंगे और इसमें आलू मसाला की स्टफिंग कर देंगे और इसे ऊपर की तरफ भी पानी लगा देंगे। ऊपर की तरफ भी मैंने यहाँ पानी लगा दिया है और देखिए, जिस तरफ से हमने चिपकाया था, जो लाइन दिख रही है उसके पीछे की तरफ से हम एक चुन्नट देंगे और इसको दबाते हुए अच्छे से बंद करना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इसे आपको अच्छे तरीके से दबाते हुए बंद रखना है, क्योंकि ये तेल में जाकर फूलते हैं, जिससे कि ये खुल सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से बंद कीजिए। देखिए, हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप सभी समोसे बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए, मैंने इतने समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं।
फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने रखा है। समोसे फ्राई करने के लिए हमें थोड़े ज़्यादा तेल की आवश्यकता होती है। तेल हमें मीडियम ही गर्म करना है। इसमें हम सभी समोसों को धीरे धीरे आराम से डालिए, तेल आपके हाथ पर ना आए। सभी समोसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे धीमी आंच पर हम फ्राई होने देंगे। इसे फ्राई होने में हमें लगभग 10 से 12 मिनट लगेगा। आप इतने ही समोसे कढ़ाई में डालिए जिसको कि आप आराम से हैंडल कर सके। देखिए इस तरीके से चलाते हुए इसको मैंने फ्राई किया है। थोड़ा सा तेज कर देते हैं जिससे इसमें अच्छा कलर आ जाए। समोसे में अच्छा कलर आ गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा कलर अच्छा नहीं लगता है। देखिए कितने अच्छे सुनहरे कलर के समोसे हो गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे समोसे और कितने खस्ता समोसे बनकर तैयार हुए हैं। आप ये देखिए हमारा ये समोसा कितना खस्ता बना है। देखिए आप भी इसी तरीके से घर पर समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको मेरा यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।